ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे हम तेरी बिरादरी के हैं भाया, हमसे क्या छुपाना? चोरी की है यो बात। अरे हम पहले ही जानते थे कि तुम बिल्कुल हमारे भाई बंधु जैसे हो, है ना? कोई तो लंबा हाथ मारा है, कहाँ किया, कहाँ चुराया? ये बात, बहुत लंबा हाथ मार दिया है। मैं नक्श तो बिल्कुल राजकुमारी जैसे, कहां से फंसाया? अरे हम तो तुम्हारी बिरादरी के हैं, हमको बता दो। अरे अच्छा, राजकुमारी चुरा के ले आया। चिट्ठी भी तो ऐसी है, लेकिन एक बात कहेंगे, अरे ये ऐसी लग रही है बिल्कुल जैसे आप कौवे की चोच में मोती। नाराज मत हो भाई, मान गए, कमाल कर दिया। एक कमाल आपने किया और एक कमाल हमारे शहनशाह ने किया। भाई सुना है कि बड़ी सुंदर बेगम पाई है शहनशाह ने। अरे मैं इनके बारे में थोड़ी नहीं कह रहा, अरे मैं तो बात कर रहा हूँ जोधा बेगम के बारे में। हाँ, जोधा बेगम ने सुना है विष पी लिया था अभी शहनशाह को बचाने के लिए। ऐसे देखा जाए तो हमारे शहनशाह बड़े भाग्यशाली और तुम भी। अबे देखो, अब दोस्ती कर लो, हैं? गले लगो, गले लग जा। अब ठीक तो हैं? जी ठीक है। भूख लगी होगी ना तुमने? गाना मिलेगा कि नहीं? चुप कर, आ रहा है। लो खाओ खाना। अरे भाई ये क्या है, ये कोई खाना है? तीर्थ करना भरो ना पड़े तो ऐसे खाना खानो पड़ेगो। हम अगर हम ये खाना नहीं खा सकते। चुप कर, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हो। अच्छा खाना खाना है तो तीर्थ कर भर और जा, वरना चुपचाप ये खाना खा। एक बात बता भाई, ये तीर्थ कर भरने का हुक्म किसने दिया? बादशाह सलामत ने, मुगल सल्तनत ने। ऐसा नहीं हो सकता। सबूत चाहिए तुम्हें, सबूत देखना है, देख लिए सबूत। शाही मोहर, ये झूठ है, शहंशाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। खामोश बदतमीज, शाही फरमान पे उंगली उठाता है? सिपाहियों बाहर लेकर के चलो इसे, फौरन सजा दी जाएगी इसे, शाही फरमान पे उंगली उठाने की सजा। तीर्थ कर ना भरने की इतनी बड़ी सजा? ये सजा भी शहंशाह ने तय किया है, जो मुसलमान नहीं उसे अपने तीर्थ पर जाने के लिए ये तीर्थ कर देना पड़ता है। पकड़ो, उठाओ इसे। रुको शहंशाह, हम इन्हें बता देते हैं कि आप कौन हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हमारे करिंदे हमारी आवाम के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, कि हमारी वजह से उन्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है। परंतु शहंशाह, आपको हमारी कसम है, आप कुछ नहीं कहेंगे। तीर्थ कर नहीं भरेगा,
मुगल कायदे और कानून पर सवाल उठाएगा। रुकिए, थाने कट चाहिए ना? हाँ। इतनो पर्याप्त होएगो? हाँ, सिपाहियों छोड़ दो इसे। कैसे नहीं करना चाहिए था? आपने हमें सच न बोलने के लिए सौगंध खिलवाई थी, आपको बचाने के लिए नहीं। हम आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकते थे। आइंदा ख्याल रखना, मुगलिया कायदे पर सवाल मत उठाना। और इतने ही बड़े सूरमा बनते हो तो जाओ और उनसे सवाल करो जिन्होंने ये कायदा बनाया है, शहंशाह ने। अपनी ही मुकर्र की गई सजा को काटना बहुत कम शहंशाहों को नसीब होता है जोधा बेगम। से मौका छीन लिया। आइए। जोधा और जलाल के लिए यह कोई आम रात नहीं थी। सीकरी का यह सफर दोनों को साथ ले आया और पास भी। जोधा और जलाल की अब तक की जिंदगी में यह सबसे बड़ी और लंबी रात थी। जोधा बेगम, हमारी सफाई अब भी कैद खाने में है और हम मजबूरन उन्हें रिहा नहीं करवा पाए। ऐसे में रात में आपके साथ सफर करना काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमारा मशवरा है कि हम कोई महफूज जगह ढूंढकर वहां रात बिताएं। और वैसे भी आपको आराम की जरूरत है। नहीं शहंशाह, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। आप ठीक नहीं है जोधा बेगम, देखिए आपके पैर कितने सूज गए हैं। आप इत्मीनान से यहाँ बैठिए, हम अभी इसका इलाज किए देते हैं, बैठिए। पति अपनी पत्नी के पैरों को हाथ नहीं लगाता है, ये हमारे राजवंशी संस्कार नहीं है। आप रहने दीजिए, हम स्वयं कर लेंगे। एक बात बताइए जोधा बेगम, एक राजवंशी औरत अपने शौहर को और क्या क्या नहीं करने देती है? जोधा बेगम, पैरों को छूने में और सूजन को दूर करना, ये दोनों बहुत अलग बात है। चलिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और वैसे भी आपको छूने मतलब धक्का खाना है। हम बस इतना कहेंगे जोधा बेगम कि कंकड़ों की वजह से आपके पैरों में सूजन आ गई है और इस वक्त इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। शहंशाह होके भी इतना कुछ कैसे जानते हैं आप? जोधा बेगम, हम शहंशाह से पहले एक सिपाही थे, अक्सर शिकार पर जाया करते थे। कभी कभी शिकार के इंतजार में इस तरह चलते चलते हमारे पैरों में सूजन आ जाया करती थी, तब हम इसी तरह उसका इलाज किया करते थे। लगता है वहां पर कुछ लोग हैं शायद
राजधानी के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो हम चल सकते हैं। जी आइए। सब कुछ किया हमने यहाँ से बाहर निकलने के लिए। बेनजीर का सच सामने लाकर हमने तय किया कि जोधा बेगम हमें यहाँ से बाहर निकालेंगी, मगर ऐन वक्त पर जोधा बेगम ने हमें धोखा दे दिया। हमने सोचा था कि शहनशाह की जान बचाने के बाद जोधा बेगम हमें यहाँ से बाहर निकालने की बात करेंगी, मगर जोधा बेगम ने कुछ भी नहीं किया। क्या शरीफुद्दीन ने ऐसा कहा? लेकिन शरीफुद्दीन बाहर कैसे आ सकते हैं कैद खाने से? बाहर आने के लिए उनकी मदद कौन करेगा? आदम खान, जलाल शरीफुद्दीन को माफ नहीं करने वाले, और आदम खान, शरीफुद्दीन का कैद खाने में रहना ही हमारे लिए बेहतर होगा। शरीफुद्दीन के बाहर आने से हो सकता है आपकी ताकत थोड़ी कम हो जाए। हमारी गैर मौजूदगी में आदम खान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अब तो शहनशाह ने फिर से उसे मालवा की सूबेदारी सौंप दी है। जोधा बेगम, आपको हमें यहां से छुड़ाना ही होगा। हम आदम खान का बढ़ता हुआ कद नहीं देख सकते। अम्मीजान, अगर शरीफुद्दीन ने यह कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। नहीं आदम, पता नहीं क्यों आदम हमें शरीफुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। शरीफुद्दीन की मदद करके कोई जलाल से दुश्मनी क्यों मोल लेगा? हमारे सल्तनत में ऐसा कोई नहीं है जो शरीफुद्दीन की मदद कर सके। नहीं अम्मीजान, ये हम नहीं जानते, पर हमने जो सुना शरीफुद्दीन से, हमने आपसे कहा, आगे आप जाने। शरीफुद्दीन इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? अगर उन्हें इतना यकीन है, यानी कि वाकई उनकी कोई मदद कर रहा है, तो वो कौन है जो उनकी मदद कर रहा है? क्या चाल चल रहे हैं शरीफुद्दीन? कौन सी चाल? जोधा बेगम, लगता है ये बंजारों का खेमा है। आइए। घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। राम राम भाया, अब मुसाफिर हैं, राह भटक गए, रात रुकने के लिए ठौर चाहिए। पावणा हो भाया? अरे भाया, पावणों की तो खातिरदारी की परंपरा है हमारी। आओ बैसो। अरे लाचो, ओ लाचो, आ जा, इन्हें जनानियों में ले जा, जा। आओ। अरे तुम तो सुहागन हो ना, सुहागन के खाली हाथ नहीं भाते, आओ तुम्हें चूड़ियां पहना दे। ये लो भाया, गलेवा करो। धन्यवाद भाया। थक गए होंगे, बहुत दूर से आए लगते हो। हाँ भाया, मेवात से आए और तीरथ के लिए निकले। मुसाफिर से बड़ा तो कोई ना हुए है भाया, हम सब मुसाफिर हैं। जीवन का सफर तय करके ऊपर वाले के पास ही तो जाना है। अरे भाई बहुत हो गया अभ्यास, कुछ नया गाओ, सुनाओ, बजाओ। Bye.
के होया सिथानी सा अचानक भसने क्यों लगी? कुछ नहीं, इसी मारे कहूं तो मरता ने समझना बड़ा दिक्कत का काम है। जब आपको समझ आता नहीं है तो फिर समझने का प्रयास क्यों करते हैं? चलो टिक्कर तरकारी बनाओ, बहुत भूख लग गई है। एक बात बताओ भाया, अब सब लोगों ने यहाँ पे डेरा क्यों डाल रखा है? डेरा नहीं है भाया, थोड़ा आराम करने रुके हैं जीमने के लिए। बस पास के गांव तक जाना है कर्तव्य के लिए। चलते चलते थोड़ा थक गए थे, सोचा कमर सीधी कर लें, और यहाँ के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। डाकुओं ने कोहराम मचाया हुआ है, बस खा पी कर अभी निकल जाएंगे। सफर पे तो हम भी निकले हैं भाया, सोचा थोड़ा आराम कर लें, पांव फटते ही निकल जाएंगे। काकी सा, मुँ रोटी बना लूं? ना पाउने हो, हम बनाएंगे थे जी मो। वो मारे भरतार के वास्ते मैं रोटी बनाना चाहूं। भरतार से इतना प्यार? बना लो बना लो। अरे हम बंजारे हैं, बंजारे प्यार बढ़ाते हैं, प्यार में बाधा नहीं बनते। के हुक्म के मुताबिक सारे इंतजामात हो चुके हैं। अम्मी जान इजाजत दीजिए। लेकिन जलाल को ढूंढोगे कैसे? वो गए तो सिकरी है ना शेख सलीम चिश्ती साहब के यहाँ, हम उन्हें कैसे भी ढूंढ लेंगे। जलाल तो आम आदमी के भेस में है, उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। अम्मी जान हम जलाल की बचपन की दोस्त है और बेगम खास भी, हम उन्हें सात पर्दों के पीछे भी पहचान सकते हैं। और फिर चाहे जलाल ने जो रास्ता चुना हो, मंजिल तो शेख साहब ही है ना। एक बात कहें रुकैया बेगम, आप पूरी तरह से महफूज हैं। आप तब से हमारे साथ हैं जब से आप महज 6 साल की थी। आप जलाल की सबसे अच्छी दोस्त हैं और सबसे खास बेगम भी, यकीन मानिए, और हमेशा रहेंगी भी। जलाल की जिंदगी में कोई भी आए, उसकी नजर में आपकी जगह आपका औहदा वही रहेगा, उसे कोई नहीं ले पाएगा। शुक्रिया अम्मी जान हमें इतना यकीन दिखाने के लिए, लेकिन अब हमें निकलना होगा, ये हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे। संभल कर जाना, शेख साहब के दरबार में हमारा सजदा जरूर दे देना और कुछ ज़कात भी करते आना। जी अम्मी जान जरूर। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारा मुहाफिज रहे। खुदा हाफिज। चलते हैं मां मंगा। अगर हमारा कहा सही वक्त पर मान गई होती है तो आज आप जलाल के साथ होती। अब देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। उम्मीद है कि हमें देर ना हुई हो। खुदा हाफिज। खुदा।
हमें तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा, पहले जाने से इनकार कर दिया और अब रुकैया जलाल के पीछे जा रही है, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है भाभी जान? इसकी वजह हम समझ रहे हैं गुलबदन बेगम। रुकैया अपने औहदे और अपनी जगह को महफूज नहीं पा रही। ये जज्बा अक्सर इंसान से कुछ ऐसे काम करवाता है जो उसने ख्वाब में भी ना सोचे हो, और अक्सर ये काम खतरनाक होते हैं, गलत होते हैं। जोधा और जलाल को एक साथ जाते देख रुकैया ने यह फैसला लिया है। जोधा बेगम के हाथों जलाल को वो खो न दे, ये खौफ रुकैया के जहन में बैठ गया है और हमें डर है कि कहीं इस खौफ के कोई नतीजे खतरनाक ना हो। ये आम आदमी का भोजन है जिमी। पहले आप ये बताइए, आपका हाथ ठीक तो है? ज्यादा जलन तो नहीं? ये जलन तो बहुत छोटी सी बात है, परंतु आपका इस बात पर ध्यान गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिमी